हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपकी होस्ट और दोस्त अलका व्यास दीक्षित। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मॉर्निंग के लिए सबसे बढ़िया नीम की गोलियाँ। नीम की गोलियाँ बनाने के लिए पहले तो मैं बनाने लगी थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर लूँ और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो नीम की गोली बनाने के लिए मैंने ली है कच्ची हल्दी। ये कच्ची हल्दी जो है साफ करके हमने इसको क्या कर लिया है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो मिक्सी में ग्राइंड करने के ये बन गई हमारी कच्ची हल्दी का पेस्ट। ठीक है, कच्ची हल्दी पेस्ट करने के बाद अब हम इसी में क्या करेंगे, इसी में हम लेंगे लहसुन। लहसुन जो है वो मैंने इसके रेडी कर ली, मतलब पीसा तो नहीं है अभी, मतलब छील के सारा साफ कर लिया है। ये लगभग आधा किलो लहसुन है। ठीक है, और ये है मेरे पास 400 ग्राम हल्दी। ठीक है, तो 500 ग्राम हो गया आपका लहसुन और ये हो गई हल्दी। तो इस हल्दी को भी हम, हल्दी और लहसुन को हम पीस लेंगे। तो हल्दी हमारी पीस गई है थोड़ी देर करीब और अब हम पीसेंगे लहसुन को। तो फ्रेंड्स, जो नीम की गोलियां हैं उसको बनाने के लिए इसमें थोड़ा लहसुन भी मिक्स है। ये देखिए कुछ जो गोलियाँ हैं वो रह गई हैं। तो इसको अभी हम और पीसेंगे। तो अब हमने क्या करा है, लहसुन लिया है, कच्ची हल्दी ली है और साथ में डालेंगे हम इसमें नीम की पत्तियाँ। ठीक है, आपको अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने कुछ जो है नीम की गोलियाँ पहले भी बना रखी हैं। अब ये गोलियाँ देखो, जब हम बनाते हैं तो इसका मल्टीपल इफ़ेक्ट्स होता है। ये गोलियाँ जो हैं वो नीम की ही हैं जिसे मैंने बना कर रखा है। ये मेनली जब वो लोग पेशेंट्स जो होते हैं, आप सबको पता है आजकल जो है मेडिसिन पे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो जब मेडिसिन पे रहते हैं और कई बार शुगर आपकी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम नीम खाते हैं। तो नीम जो है वो कुदरती ऐसी दवा है जो हमें कुदरत ने दे रखी है। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, ये है बनी हुई नीम की गोलियाँ। लेकिन मेरे पास नीम आया था और आजकल थोड़ी धूप भी है हिमाचल में, तो मुझे लगता है कि मैं नीम की गोलियाँ बनाकर रख दूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करा है, मेरे पास था 400 ग्राम जो हल्दी थी उसको मैंने दो के साफ करके पीस लिया है। साथ में लिया है लहसुन, लेकिन अभी लहसुन जो है वो आधा किलो था, वो मेरा पिसा नहीं है। तो अभी मैं इसमें ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसूँगी। ठीक है, दो इंग्रेडिएंट्स आपको पता लग गए, एक हो गया लहसुन, दूसरी होगी हल्दी। ये लहसुन पीला पीला इसलिए हुआ है क्योंकि हल्दी के जार में पिसा है। दूसरा है कुछ नीम, नीम के जो पत्ते हैं ये धो के सुखा के छांव में मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे नीम नहीं मिलता। तो इस नीम को भी अब हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। ठीक है, तो पहले लहसुन पीसते हैं और फिर नीम पीसते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये बन गया है हमारा नीम। नीम हमने पीस लिया है, हल्दी हमारी रेडी है और साथ में ही है लहसुन। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी स्किन को ही नहीं, आपकी जो बाकी सब चीज़ें हैं जैसे आपकी शुगर है या आपके कोई और फोड़े फिंसियाँ हैं, पिंपल्स हैं, तो इसको बस सुबह आपने इस तरह से मिक्स करके गोलियाँ बना लेनी है। गोलियाँ बना के इसको सुखा लीजिए, सुखाने के बाद डब्बे में भर लीजिए और डब्बे में भरने के बाद सिंपली करना ये है कि बस सुबह खाली पेट एक गोली आपने चुपचाप खा लेनी है। ठीक है, और फिर देखिए कुछ दिनों बाद आपकी जो शुगर है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अरेंज यानी कि मैनेज्ड। और फिर आप याद ज़रूर करेंगे जब आपकी स्किन चमकेगी, आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन में कोई रैशेज नहीं होंगे, स्किन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करेंगी हेल्प आउट फॉर बीइंग बेटर लाइफ, है ना। तो बस ये हमारा जो है, बस इसको अब मैं ले जाती हूँ और इसकी गोलियाँ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास है थोड़ी सी जगह और इसी में अब मैंने ये छोटा सा पॉलिथीन लगाया है और ये हमारे पास जो है नीम, हल्दी और लहसुन तीनों को बना के हमने कर दिया है पेस्ट तैयार। और यही हम अपनी गोलियाँ बनाएंगे, सुखाएंगे। गोलियाँ बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस तरह से आपने छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है और
खा लेनी है और तुम्हें सूख जाएगी। सारे साल आप इसको प्रिजर्व करके रखिए, मतलब रखना ही नहीं है, खानी ही है। तो आप इसको बस सुबह जो है एक गोली आराम से खाइए, पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लीजिए और आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी हेल्थ में इतना बेनिफिट होगा। मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो इसी नीम, हल्दी और लहसुन, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देंगे इन फ्यूचर। तो इन सब चीज़ें जो आज नेचुरल है हमें मिल रही हैं मुफ्त के मोल, तो इन सब चीज़ों को आप खोए ना और इस तरह से आप भी अपनी गोलियाँ बनाएं और इसको सुबह सुबह खाएं। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके कितने अमेजिंग बेनिफिट हैं। मैंने तो खुद इस चीज़ को करके देखा है और इसीलिए मैं ये गोलियाँ बनाती भी हूँ। और कोई भी पेशेंट मुझे मिलता है जो कैंसर से है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, शुगर बढ़ी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। तो आप भी बनाएं और मेरी तरह इसको सुखा के इंजॉय करें। उन्हें नहीं कड़वा है ऊपर से बोल रहे इंजॉय करें, जी हाँ बिल्कुल आप इंजॉय करेंगे क्योंकि जो कड़वा होता है वही अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, गोली है हमारे लिए, बड़ियों की तरह बना लीजिए और ये तो खाई नहीं जाएगी क्योंकि गोली तो बिल्कुल चारों तरफ से क्या होती है, बढ़िया स्प्लेन होती है। तो मैं तो इसकी चूरी बनाती हूँ जब सूख गई, और सूख के चूरी बना के बस सुबह गर्म पानी के साथ एक पक्की मारी और उसके बाद चाय वाय नहीं पी, तो मेरी जो गोलियाँ हैं वो बन जाएंगी, हो जाएंगी। हो गई है हमारी इन गोलियों को सूखते हुए 4 से 5 दिन, क्योंकि ये घर में अंदर ही सुखाई हैं। तो देखिए ये सूख चुकी हैं इस तरह से जो है बिल्कुल बढ़िया सी हो गई हैं। लेकिन अब मैं इनको करूँगी कलेक्ट, कलेक्ट करने के लिए मैंने ले ली है परात, और इस परात में अच्छी मैं इसको फाइनली जो धूप है वो थोड़ी सी मतलब धूप में ही रखूँगी, यहाँ धूप थोड़ी कम आती है तो मैं इसको खा रखूँगी, इसके नाम ही रखूँ तो भी ये मतलब आप इन गोलियों को पूरे साल 2 साल स्टोर कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने ये गोलियाँ बनाई हैं, आप भी इस गोलियों को बनाएं, स्किन को, ब्लड को, सबको प्यूरीफाई करें। इवन मेरा तो बच्चा जो कॉलेज आता है वो भी स्किन की कई प्रॉब्लम से करीब है, हो ही जाते हैं बच्चों को पिंपल्स हो जाते हैं, लेकिन अब जो बच्चा है वो खुश है क्योंकि वो भी इन गोलियों को खाता है। तो इतने नीम, लहसुन और जो है हल्दी, इन तीनों से मिलाकर हमने लगभग 3-4 महीने की जो गोलियाँ हैं वो बनाकर रेडी कर दी हैं। क्योंकि ये गोलियाँ जो हैं वो हमारी रेडी हो गई हैं कि हम इसको आराम से भर सकते हैं किसी भी पैकेट में, डब्बे में, और सूख कर सकते हैं। तो आज लगेगी इनको फाइनल धूप और हम करेंगे डब्बे में बस। करना क्या है, खानी कैसे है, अब ये लग रहा होगा ये तो गले में फंस जाएगी, तो आप क्या करें इसका चूरा बना लें, है ना। मैं तो इसकी चूरी बनाती हूँ ऐसे बिल्कुल बारीक करके यहाँ पर हथेली पर, और इसकी पक्की मारनी और ऊपर से पी लेना गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, लू वॉर्म वाटर जो है वो सफिशेंट है। तो आप इस तरह से इन गोलियों को बनाएं, खाएं। तो मैं इस गोली को खाती हूँ, आप भी बनाएं इन गोलियों को, और इसमें खट्टा कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, खट्टा तो है, लहसुन लाएंगे, हल्दी लाएंगे और इनको बनाएंगे। लेकिन आप सबके पास नीम अवेलेबल है, लेकिन कुदरत ने जो हमें चीज़ें दे रखी हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप भी बनाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।